परफ्यूम तुम देखना है आपका। सॉरी सॉरी बाबा, तो अपने बालों को ब्लो जाएंगे। अगर वो उठ गए हाँ तो हमारा सारा प्लान चौपट। किडनैप किया है मुझे। पापा जो देख कर डांटे इनको लग गई। पापा को पता चल गया कि हम लेट आए। Hi guys, welcome to our first YouTube channel. एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो होप से कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की अपडेट बड़ी अच्छी है, आप लोगों को मैं सामने दिखाती हूँ, उससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आज क्या होने वाला है। आज ये लड़कियाँ रेडी हो रही हैं क्योंकि अभी रात के, मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊँ क्या हो रहा है। अभी बज रहे हैं 2, मतलब 2 बजने वाले, और हम लोग करने लगे हैं स्नीक आउट, मतलब छुप कर हम लोग बाहर जाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत दिल चाह रहा था कि हम कुछ खाने को खाएं, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो छुप कर जाएंगे। तो अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह से स्नीक आउट करेंगे छुप कर, क्योंकि मम्मा पापा जो है ना वो सो रहे हैं। तुम लोग अगर पकड़े गए तो कितना मज़ा आएगा। और ये लोग तैयार ऐसे हो रही हैं जैसे दिन पता नहीं खुद तैयार हो गई हो, खुद लेजीनेस दिखा रही हो। और यार मुझे हैरत हो रही है कि इस टाइम आपका किसी ने परफ्यूम क्यों देखना है और आपका सॉरी सॉरी देना मेरे मुंह के अंदर गया है। पागल हो ऐसा था डेस आप कड़वा ऑब्वियसली। और इसको देखो इस टाइम अपने बाल ब्लोडर कर रही है जैसे इसने पता नहीं कौन से फंक्शन पे जा रही है। पापा तो अपने बालों को ब्लो ड्रायर कर रही है। क्या हरकत है, उठाओ उसको नीचे से। अभी मामा को उठ गए ना तुमको सबने पकड़ जाना, सबका स्नीक आउट जाता है। ओके तो ये लड़की जो है ना इधर बैठी हुई, ये आप भी हमारे साथ जा रही हो। मुझे नींद आ रही है बहुत, इसको नींद आ रही है। हीरा फिवार मूवी देख रही हो, तो बस मैं फातिमा और जैनब, क्योंकि हमारा ड्राइवर होगी फातिमा, मेरी फोटोग्राफर होगी जैनब, और आज राबिया ब्लॉगर। और एक दिया कुछ खाने के लिए, ठीक है क्या खाने को लेकर तुम लोगों ने तो लेट आना। मैक्स हमें रात के 6 बज जाएंगे, इससे ज्यादा लेट नहीं होते। नो 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 मेन्यू पूरा खुद। क्या खाने को लेकर आए? सुबह का नाश्ता नहीं करना मैंने, हलवा पूड़ी निकलो। और मेरे डैडी के फेटो में जेलस हो रही हूँ। तुम जाओ, मैं तुमसे जेलस हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे रूम में सोएगी शायद, क्योंकि हम लोग तो यार लेट हो जाएंगे, हम लोग तो कल शायद आए नहीं। फातिमा बस इतना मेकअप कहाँ जा रही हो तुम, और वो बाल स्ट्रेट कर रही है क्या तुम्हारे? इस टाइम रात को किसी ने देना बाल नहीं देखने, सबने तुम्हारी शक्ल ही देखनी है गंदी वाली। क्या लगाया हुआ कपड़े, कपड़े तो साफ किया कोई, शक्ल नहीं ठीक भाई, कपड़े प्याए लग रहे हैं तुम्हारे, तुम्हारी भी कदम घटिया शक्ल लग रही है। और ये देख ले अपने आगे वाले बैग को कैसे ब्लो ड्रायर कर रही है इसने, वो हैक देख देख के ना ऐसे पकड़ के ना हाँ इसको अपने उल्टा करना है इसको। और ये करती है आजकल केपॉप बनने के चक्कर, आजकल के अब करो आगे। वाओ ओके अच्छा ऐसे करती है। तो अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल था तो आप लोगों को मिल चुका है। और ये ज़ैनब फेक बना रही है, इसके हैं नहीं लेकिन ये फेक बना रही है। मेरे हैं, तुम्हारे नहीं देखने ज़ैनब, किसी ने ना करो प्लीज, नहीं देखने नहीं देखने किसी ने, बंद करो। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही। अच्छा अच्छा ओके यार, तो मैं अपना मुंचू ना बैग लेके जा रही हूँ, और फातिमा कह रही है कि उसका ग्लासेस मैं ऊपर से लेके आऊँ, तो मैं छुपके छुपके जाऊँगी भाई, यहाँ पे मूवी देख रही है, छुपके छुपके जाते हैं। और जाकर जो है ना वो देखो जरा नींद में मूवी देख रही है, ठीक है हम छुपके छुपके जाते हैं, हम वहाँ पास सो रहे हैं, छुपके छुपके जाते हैं, ग्लासेस लेकर आते हैं। ओके तो ये मिल चुके हैं हमें ग्लासेस, ठीक है फाइनली इस काम में भी हम कामयाब हो गए। तो चलो यार लेट हो रहे हैं इतना ज़्यादा, लेकिन इसी तो स्नीक आउट कहते हैं यार। ओके तो अब इसकी नई फरमाइश है कि इसकी ग्लासेस के साफ करने का कपड़ा भी लेकर आओ। मिशन नंबर 2 पर चलते हैं, फिर से हीरा को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। जी रात को हमें कपड़ा भी मिल रहा है, ये वाला शायद इसका कपड़ा, तो कपड़े का काम भी हुआ। हर चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कट करनी है। हाँ जी आहिस्ता बोलो। अगर वो उठ गए हाँ तो हमारा सारा प्लान चौपट, और हमें हम टाइम देख लें छुट्टी हो जाएगी। 1:52 हो गए और हम लोग वापस कब आएंगे? 6 बजे बाद में पता लगे, नहीं नहीं टाइम नहीं पता हाँ। बाद में पता लगे कि यहाँ पे चाबियाँ पड़ी होती है, और बाद में यहाँ से हटता मैं बोलो छुट्टी क्यों पहन रही हो, तुमने कौन सा चप्पल पहना? नहीं तो मैं चप्पल कौन पहनूंगी, मैं साफ बोल जाऊंगी, तो ऊंची बोल रही हूं मैं, जो चप्पल पहनूं फटाफट रुक जाओ। ओके यार यार तुम लोग अभी भी पापा को खिड़की से आवाज़ आती है, तुम लोगों को नहीं पता? और ये बाहर खेलने कूदना भी है हम लोगों ने, गाइस बहुत स्पेशल होने वाला है।
हम लोगों ने खेलना भी है, बाहर जाके फुल फन करना, फुल एंजॉय करना, तो बहुत मजा है। ये हमारा बहुत अच्छा स्लीप ओवर है, किसी पार्क में जाएंगे और जा करके आराम से खेलेंगे। ध्यान से रख लिया, कैमरे लगे हुए हैं, वो तो कैमरा से पकड़ ही नहीं रही मैं कह रही हूँ कि ज़ैनब को सरेआम फैला लो। क्या हुआ, क्या हुआ? फातिमा तुमने मुझे बहुत गंदा डराया। ओके गाइस, फाइनली घर से फरार होने की हमारी स्कीम चल चुकी है। मैं ये कह रही हूँ कि कैमरा के अंदर जो है ना तुम नहीं आओगी। क्यों पूछो, क्यों? क्योंकि चुड़ैले, क्योंकि चुड़ैले नहीं आती कैमरा के अंदर। और इस टाइम देखो ओ ज़ैनब, कैमरा के अंदर तुम नहीं आ रही हो, दिखाओ इधर, ये दिखाओ कैमरा के अंदर ज़ैनब आ ही नहीं रही। क्या मेरा चुड़ैला नहीं यार, बहुत प्यारी है ज़ैनब। तो हम लोग रेगिशल भी लेके जा रहे हैं, ठीक है, जाके वहाँ पे। इस टाइम मुझे पता है कुछ खुला तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग एक किस्म का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बाहर के। इस टाइम बाहर क्या होता है तो आपको ऐसा, ओ चांद कितना प्यारा लग रहा है। नहीं यार, अभी के बात इस टाइम इस लड़की को सेल्फीज़ की पड़ी है, मतलब इतना मुझे होना है वो कि सेल्फीज़ बना रही। गाइस आप लोगों के लिए सेल्फीज़ बना रही है उसकी, सेल्फी ना दिखाओ यार। अब वो हमारी गाड़ी आ चुकी है, मैं आगे बैठूंगी, मैं बड़ी हूँ ना, मैं आगे बैठू। ज़्यादा खोलो मेरे, जल्दी से ज़्यादा खोलो मेरे, जल्दी, बड़ी बहन हूँ ना मैं। ओह बदतमीज़, बड़ी बहन की कोई इज्जत नहीं है, मुझे पीछे बैठना पड़ा। फातिमा तुम यहाँ पर इंसाफ कर सकती हो कि मुझे नहीं बिठा रही है ये? ओह इस टाइम पे हमें सिर्फ ये जगह मिली है, ठीक है, कोई और जगह नहीं खुली, तो हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी हम लोग ऑर्डर करने लगे हैं, देखो क्या ऑर्डर, रैप्स खाने, क्या खाने हैं? फातिमा तुम बताओ यार। मैं तो पराठा खाऊंगी, पिज्जा पराठा। तुम खुद फोन में लगी हुई हो, बताओ। हाँ मैं सोच रही हूँ, ये भी अभी मेरे सामने आया, मैं फ्राइज खा लेती हूँ, मैं कुछ चलो देखते हैं कि हमने क्या ऑर्डर करना है। अभी हम रैप्स वगैरह देख रहे हैं, हमने पिज्जा पराठा ऑर्डर करते हैं। हाँ पिज्जा पराठा ऑर्डर करते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, ये है चाय। अच्छा चाय भी हमने ऑर्डर की है। ओ हो हो हो, ये मानो को मैंने पीछे बुलाया, मानो चाय पकड़ो शाबाश, खाने में आपे नहीं हेल्प करो। और ये हमारा आ गया पिज्जा पराठा, ये ओके थैंक यू। तो अब हम खाएंगे पिज्जा, अंदर से हम लोगों को पिज्जा पराठा पहले दिखाना है कैसा है। ओके गाइस, पिज्जा पराठा यहाँ से बड़ा अच्छा दिख रहा है, पिज्जा मुझे टेस्ट करने दो कैसा। हाँ नहीं हमें आराम से ज़ैनब, इतना क्या भूखी लड़की, इतनी भूख लग गया मुझे। ज़ैनब का इधर दिल घबरा रहा तो इसीलिए वो बाहर खड़ी हुई है। थोड़ा चक्कर काटो, किसने कहा इतना खाओ, खा के मैं क्या कहूँ, चक्कर बहुत करो शाबाश। अंकल एक पानी की बोतल लेकर आना जरा। ओके से पहले वाला पानी आ गया, थैंक यू अंकल। अंकल देख रहे हैं मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, फिर पानी पी रही हूँ। ज़ैनब ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? अब मैं गवाही देती हूँ कि ज़ैनब ने किया, मेरे कपड़ों पे गिराई। फातिमा यार टिश्यू दो, मैंने नहीं गिराई यार, इसने मेरे कपड़ों पे गिरा दिया। औरत ना हो तो मैंने गिराई है, तुमने गिराई है। आप अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो इसने गिराई है। ज़ैनब अंकल को बुलाइए, भाई और अंकल, अंकल भाई, अंकल बात सुने जल्दी, टिश्यू टिश्यू। थैंक यू अंकल, तुम साफ करोगी मेरे कपड़े साफ। ज़ैनब यार साफ करो इसको अब जल्दी से, जल्दी मेरे कपड़े हैं ना, पहले जल्दी। तुम्हारे कपड़ों पे नहीं गिरा, गिरा था मुझे फील। ये क्या, ये क्या, ये क्या? अब तो देखो निशान लग गया है, उसको साफ करो ना, साफ करो, साफ करो जल्दी। ओके गाइस, ज़ैनब बहुत ही बुरी बहन साबित हुई है, आई डोंट लाइक हर एट ऑल। कमेंट में बताएं ज़ैनब ने मेरे साथ गलत किया, बहुत ज़ैनब ने रावे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ओके गाइस, सो फाइनली उस चीज की बारी आ गई है जिसका सबको इंतजार होता है, बिल का। फातिमा बिल दो, मैं नहीं दे रही बिल, मैं तो कैश लेकर ही। अगर बिल दे रहे थे कि चाहिए, ओ कितने अच्छे आप हमारे फैन है। वो कहेगा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, बिल हो चुका है पैसा उसे। अगर वो ना भी माने फिर मांगे फिर भी तुम्हें देना बनता है, पता है। मैं तो मजाक कर रही हूं, ये ले छुपा के नीचे रख दो, ये ले अंकल। ओके बाय। अच्छा तो गाइस अब राबिया जो है वो सो चुकी है, हम लोग बाहर निकले हुए हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, फातिमा का देखा है, ओ कितनी प्यारी लाइट आ रही है फातिमा की, पंछी बनने उड़ती थी ना। और गाइस मुझे पता नहीं लगा, पता नहीं कब सो गई, ठीक है। और ये लोग सुबह दिन हो गया फातिमा,
मैं यही कहूंगी कि वैसे एंजॉय की बात नहीं है ये, क्या तुमने खलीफा में अपार्टमेंट तो मैंने ले ही लिया है। आइंदा के बाद मैं क्योंकि मैं स्नीक आउट करके तो मैं नाम बदला, मैं बेचारी सुबह 8 बजे घर तुम लोग मुझे जलील, हाँ तुम लोग मुझे जलील करा रहे हो, उन्होंने मेरे स्नीक आउट के नाम पर मेरे किडनैप किया है उन्होंने मुझे, और मेरे ब्लॉग के नाम पर उन्होंने खरीदा है मैं अपने ख्याल के लिए, और अब ये लोग कह रहे हैं कि चलो बैडमिंटन खेलना, इतनी सुबह मुझे किस चीज़ का पाबंद बना रहे हैं। इस टाइम बाहर इतना अच्छा व्यू है ना, ये लोग बाहर जा रही हैं जी बैडमिंटन खेलने के लिए, इतना सुंदर व्यू है, और गाड़ी पूरी खाली करके ये लोग अब जा रही हैं। वैसे ना बहुत शर्म की बात है, तुम दोनों मुझे आवारा पंछी लग रही हो इस टाइम पे, ठीक है खुद पता नहीं सुबह 1-1 बजे उठती हैं, ठीक है कोई रूटीन नहीं है इनकी, अब खेड़ा खेड़ी में ध्यान दिया हुआ है। मैं तो यार ना तो खेल रही, मैं गाड़ी में बैठ के सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आती खेलने में, इतनी पंचुअल लड़की नहीं हूँ, अब खेलेंगी जाकर, जाओ जाओ नहीं बाल देखो बम पटा मेरे बालों में बम पटा हुआ, और यार मैं इतनी पंचुअल लड़की नहीं हूँ, वो देखो अभी बैडमिंटन खेलेंगी इनका, मैं आप लोगों को गेम दिखाती हूँ, मैं तो गाड़ी से ही निकल रही, खैर बट व्यू बहुत प्यारा है यार। और यार आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि 5 बज गए हम लोग, मैं आप ही से मजाक में गई थी कि 6 बजे और 5 बज गए, और घर जाकर आप कितनी गैस आएंगे, और मैं आप पापा के साथ हूँ, मुझे लोग धोखे से दोनों लेकर आई हैं, वो देखो वो तो स्टोरी बना रही है एक मैडम और वो उधर मैडम, मैं क्या बोलूँ अपने आप खेल रही है फातिमा और तुम इधर स्टोरीज बनाने में लगी हुई हो, पापा जो देख के डांटे इनको, क्या ये दोनों इधर खेलने में, यार बस कर जो चलो घर में, कॉल कर रही हूँ पापा को, तुम लोग की शिकायत लगाती हूँ, क्या गेम लगा रही, वाह फातिमा तो बहुत प्रो हो गई है यार, फातिमा टीम में प्ले करना है, पार्ट लेना है, तुम्हें सिलेक्ट कर लिया बैडमिंटन टीम में तुम्हें फातिमा टीम में सिलेक्ट कर लिया होना है सिलेक्ट, लेकिन अभी भी समझे मैं इन पे तरस नहीं खाया, मैं अभी बाबा को कॉल करके सब इन सबका बताती हूँ, वो मैंने तुम्हें कह रहा था कि तुम्हारी टीम में सिलेक्शन होगी, ठीक है आप तुम तो बड़ा अच्छा खेलती हो यार, मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, हीरो निकले यार मुझे ना इस टाइम तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, फातिमा और जैन ने मेरे साथ जो हरकतें की है ना दोनों ने, मुझे कहा क्या हो रहा चलते हैं 1 घंटे वापस आ रही है, स्नीक आउट मारते खा पी के आते हैं बाहर गई, और अब वापस जाने का नाम नहीं लेंगे, पता नहीं इनको क्या कितनी राइट, यही स्नीक आउट होता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा था, तुम इधर बैठ गई हो तुमसे घर नहीं जाया जा रहा, मेरी बात सुनो तुम लोग, करो मैं फिर यहाँ से पैदल जा रही हूँ घर, मैं यहाँ से पैदल का सफर तय करती हूँ और घर जाती हूँ, गाड़ी में ऐसे क्यों बैठे थोड़ा चल ही लेती हूँ पैदल, मैंने तुम लोगों से सिर्फ एक लाइन कहूंगी, मेरी बर्दाश्त की एक लिमिट एंड डोंट लिमिट दी क्रॉस, तो उठो और चलो, मैं अपने पापा को कॉल करके बहुत बुरा हश करूंगी, इतने गलती नहीं आया तुम बाबा को कॉल, मैं कर सकती हूँ ये फातिमा उसको देख लो, चलो जल्दी उठो चलो गाड़ी बैठो, मुझे कहा मैं खुद गाड़ी चलानी आती हूँ मैं खुद चल जाती, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, राबिया को इंसाफ दो, राबिया को इंसाफ दो चलो, और मैंने सुना तुमने थोड़ा व्लॉग बनाया मेरे सोने पे, तो तुमने मुझे सोते हुए क्यों नहीं कैप्चर किया, क्योंकि फातिमा ने मुझे बाहर बुला लिया था, बाहर बहुत, और बाहर तुमने क्या किया, मैंने देखे बड़ा गंदा खेलती हो तुम फातिमा, अच्छा खेलती हो, मैं जीती हूँ, अपने बाल देखो उड़े पड़े हैं ये देखो, नहीं जैनब बहुत प्यारी है, ओके आते हैं जैनब का फोन पड़ा हुआ मैं छुपा लेती हूँ, अब जब ये लड़की लेने आएगी ना इसको मैं नहीं दूंगी, देखते हैं इसका कैसा होता है, क्या कह रही हो, फोन दो तुम्हारा फोन मेरे पास तो नहीं है, ना ना मेरे पास तो कोई फोन नहीं है, कौन सा फोन, क्या फोन मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दिया, नहीं फातिमा जैन अपना फोन पीछे भूला ही है इसको, हाँ मैं क्या रखा ही नहीं था, तुम्हें पकड़ाया था मैंने, मुझे कब पकड़ाया था, और खेलो और बैडमिंटन खेलो और बैडमिंटन खेलो और बैडमिंटन खेलो, यही सजा है तुम्हारी, मुझे पता होता तो सीरियसली बता देती, मुझे जब पता ही नहीं है मैं तो अपना व्लॉग यहाँ बना रही, तुम शायद वहाँ पे कहीं रख दिया शायद, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मुझे पकड़ा है, मैं मजाक कर रही हूं, तो मैं क्या मजाक कर रही हूं इधर, अच्छा चलो चलो बेचारी हमें उदास हो गई, चलिए इतनी बदतमीजी, अब देखना बच्चों, ओके गाइस सो फाइनली घर जा रहे हैं, ठीक है ये लिटरली लोग दुनिया का लॉन्गेस्ट स्नीक आउट होगा, लोगों का 2-3 घंटे का होता है, हम सुबह के 5 बजे वापस आ रहे हैं, कौन सा स्नीक आउट रात को सुबह वापस आ रहे हैं, वाह ये चीज देखिए, ये जैनब को देख लो उड़ता हुआ परिंदा लग रही है, गाइस आज आप लोगों को मैं लाइव परिंदा दिखा दी, क्या हो रहा है तुम्हें, अब इसके दिल खराब हो रहे हैं, दिल खराब हो रहे हैं, और हमारा गड्डी करनी थी, कम हमारा गड्डी करनी थी ना, और ऐसा फाइनली मेरी इतनी मेहनत के बाद हम लोग घर पहुंच गए, नहीं फातिमा की ड्राइविंग के बाद, खैर बट शुक्र है मुझे इसने घर पहुंचा दिया, ओ अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे मेरा घर देखने का नाजिल हुआ, और ये हमने जो बॉटल्स देनी थी, ओहो 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 इसकी वीडियो भी बनानी है,
फातिमा सुकून मिल गया तुम्हें? एक्चुअली में हम लोग लेने के बॉटल्स गए थे और हम लोगों ने पूरा इंजॉय करके आया। अल्लाह करे पापा देख ले ना, लेकिन यार उल्टा डांट तो मुझे ही पड़ेगी ना। अल्लाह करे पापा देख ले, इसको तो शिकायत पड़े ना, मेरा डांट पड़े इसको मुझे बहुत। पापा जी, पापा जी, क्या हुआ? गाइस पापा उठ गए। हाँ जी, ये टाइम है को घर आने का, इतनी लेट पता है भी इतने लेट घर आने का, ये टाइम आने का? अब आइंदा नहीं ऐसा करना, चलो जाओ सो जाओ। हाँ ऊपर जाकर सोने लगी हूँ। हाँ दस दिन बाद ही उठूंगी, सुबह उठ चले गए अंदर। हाँ तो लग गई मेरे पापा से मेरे पड़ी डांट, ठीक है पापा को पता चल गया कि हम लेट आए हैं। टाइम तो मैं आँखों को दिखा दूँ मेरा, छः बज चुके हैं, पापा बंदा चले गए, उन्होंने कहा चुप करके सो लो साथ, ठीक है तो अब हम सोते हैं। मेरा टैटू को मैंने मिश किया, तो ये लड़की इसको तो कोई नादानी की है ही नहीं, पता डांट पड़ी तो सुकून मिला, पड़ी डांट मज़ा आया, आया मज़ा। तुम्हें ज़्यादा पड़ी? मुझे नहीं ज़्यादा पड़ी, फातिमा को ज़्यादा पड़ी क्योंकि वो हमें से बड़ी है। ये बॉटल्स को हम लोग इस इधर रख देते हैं ताकि सुबह को कर लेंगे, इसकी मैंने बनानी है वीडियो। तो अब गाइस बहुत थक गए, ये बहुत ही स्नीक आउट जो था ना रॉन्ग चला गया था, मेरे साथ इन्होंने ज्यादती कर दी थी। चुप आता बोल रहा था पर तुम्हें मार पड़ गया, तो बहुत मज़ा आया, मज़ा तो खैर बिल्कुल नहीं आया। ओके गाइस सो होप सो कि आप लोग के व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने इतनी मेहनत किया तो ऑब्वियसली इतना तो होना चाहिए। इतनी डांट सुनी आप लोगों के सामने तो मुझे बहुत दिल दुख है, मैंने इतनी डांट भी सुनी है। सब हम सोने लगे हैं इतनी रात को लेट, अब सुबह मैं उठूँगी लेट क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी है। सो आगे मुझे बताएं कि आप व्लॉग कैसा हो। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।